एक बार फिर से शिवानी आपके चैनल अपने आपके अपने चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स केक, वो भी बेसिक। आज बच्चे बोल रहे हैं मम्मी केक खाने का मन है, छुट्टी है, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि घर की चीजों से आप केक कैसे बना सकते हैं बिना ओवन बिना ओटीजे के और बहुत इजी मेथड से। फ्रेंड्स थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलना और कमेंट करना प्लीज। हम नए हैं YouTube पे, सपोर्ट करिए। और सबसे पहले सभी छत्तीसगढ़ वासियों को मेरी तरफ से हरेली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने ना नमक डाल लिया है, ये एक्चुअली मेरे पास पहले से ही था बेक का, इसमें नीचे नमक डाल दिया है। और एक स्टैंड आप इसके नीचे रख लेना, अगर स्टैंड नहीं है ना आपके पास तो आप कोई प्लेट या ढक्कन उल्टा करके रख सकते हैं। और गैस ऑन करना है और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है, ये देखिए मीडियम फ्लेम पे रखना है और ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। और जब तक ये प्री हीट होता है चलिए फ्रेंड हम लोग फटाफट केक का बैटर रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हम लोग ने मैंने एक मोल्ड लिया है, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप स्टील का कोई भी बर्तन ले सकते हैं और उसको ना ऑयल को से ग्रीस कर लेना है। एक्चुअली मैं ब्रश लेके आती हूँ, ब्रश मेरा है, आप ब्रश लेंगे और उससे अच्छे से ऐसे ग्रीस कर लेंगे। देखिए जैसे मैं ग्रीस कर रही हूँ बहुत अच्छे से इसको ग्रीस करना है और बटर पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसको ग्रीस करिए आप। थोड़ा सा मैदा लीजिए और इसमें छिड़क लीजिए और फिर इसको अच्छे से देखिए फ्रेंड्स। और अच्छे से आपने इसको कवर कर दिया है मैदा से और बाकी मैदा को आप डाल सकते हैं साइड में। ये हमारा रेडी हो गया बर्तन। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ तो मेरे को मैं एक स्ट्रेनर चाहिए, उसके लिए मैं एक कप मैदा ली हूँ, ये देखिए मैदा। अगर आपके घर में मैदा नहीं है फ्रेंड्स तो मैं बार बार बता रही हूँ कि आप आटे को पतली चुन्नी से दो बार मलमल से छान लीजिए, आपकी मैदा रेडी हो जाएगी, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है स्ट्रेनर में मैदा को अच्छे से छानिए, एक कप मैदा, जिससे भी मेजरमेंट लेंगे आप घर की कटोरी से भी लेंगे तो बस उसी से हिसाब लगाना है। जनरली आपके पास कप नहीं है तो आप कटोरी से भी ले सकते हैं। 1/4 कप चीनी, जो कटोरी आप नाप रहे हैं ना उसका तीसरा हिस्सा, उस कटोरी का तीसरा हिस्सा आप चीनी ले लीजिए, कप कटोरी जो भी नाप रहे हैं सीधा हिसाब। चीनी को मैंने घर में पीस लिया है फ्रेंड्स और उसको मैंने छान लिया है, ये देखिए। छानना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नहीं तो लम्स आने का डर रहता है और वैक्यूम भी क्रिएट नहीं होता है। छानने से केक भी फ्लफी बनता है और मिक्सअप अच्छे से होता है। दोनों चीजों को देखिए मैंने छान लिया है यहाँ, ये देखिए ये मेरे पास बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर, ये देखिए बेकिंग पाउडर है, ये किसी भी दुकान पे 20 रुपया 10 रुपया का मिल जाता है, लेकिन अच्छी ब्रांड का ही ले और ज्यादा पुराना ना ले, नहीं तो केक में स्मेल हो जाती है। तो इसको हम लोग को लेना है एक छोटा चम्मच, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास तो चम्मच है, अगर नहीं है तो आप घर की चम्मच छोटे वाली जो होती है ना उसको आप ले सकते हैं। ये देखिए देखिए फ्रेंड मैं भर के ले लिया है, टीस्पून चाय वाला जो छोटा चाय पत्ती का स्पून होता है, नमक का आप वो ले सकते हैं। उसी के साथ ये है फ्रेंड्स बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वो बेकिंग पाउडर था ये बेकिंग सोडा है। ठीक है अब बेकिंग सोडा आप हाफ लेंगे, अगर आपने बेकिंग पाउडर 1 लिया है टीस्पून तो आप हाफ टी स्पून लेंगे बेकिंग सोडा। ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इसका भी सेम है, ये भी कहीं पे आपको मिल जाएगा किसी भी दुकान पे आसानी से, लेकिन आपको ज्यादा पुराना नहीं लेना है। इनको भी छान लेंगे, अभी मैं इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर 1 चम्मच, अगर डालिए नहीं है तो आप मत डालिए फ्रेंड्स। मेरे पास ये है मिल्क पाउडर, है तो मैं डाल रही हूँ, नहीं है तो मैं नहीं डालती हूँ, किसी भी ब्रांड का, देखिए मैं एवरीडे का ले रही हूँ। और ये बड़ा चम्मच है, अगर घर में बड़ा चम्मच नहीं है ना तो आप छोटे चम्मच को ले सकती हो, छोटे 2 चम्मच आप डाल दीजिए, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है केक में। छान लेंगे, जिस बर्तन से आप मेजरमेंट ले रहे हैं फ्रेंड उसी का हिसाब लगा के चलना है। ये है रिफाइंड ऑयल, आपको सिर्फ रिफाइंड ऑयल ही लेना है, सींग तेल या सरसों तेल या कुछ नहीं लेना है, आप मेल्टेड बटर भी यूज कर सकती हैं। देखिए ये 1/4 है, जो कटोरी से आपने नापा उसका चौथा हिस्सा आप रिफाइंड ऑयल का लेंगे, ये मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है इसके बाद मैं 2 बूंद, कलर है मेरे पास येलो कलर,
देखिए लेमन कलर मैं उसका डाल रही हूँ, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद लेना है दूध आपको स्टार्टिंग में 1/3 कप लेना है। ये देखिए अगर ज्यादा लगेगा तो हम ले सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे आपका दूध होना चाहिए। आप आधा दूध आधा पानी भी ले सकते हैं, पूरा दूध भी ले सकते हैं और पूरा पानी भी ले सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जाले से ही आप मिक्स करें या फिर आप स्पैचुला से मिक्स करें, कट एंड पोर मेथड से। कट एंड पोर मेथड क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, देखिए तभी मैं आपको बताऊंगी, पहले आप इसको जाले से अच्छे से मिक्स करिए। ये देखिए फ्रेंड्स मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा दूध और जाएगा उनके लगभग, तो स्पून या उससे ही लीजिए आप, हाथ से मत लीजिएगा नहीं तो ज्यादा हो सकता है। ये देखिए इतना दूध मैं और डाल रही हूँ। बैटर कोको को बहुत पतला नहीं रखना है कि बैटर, और टाइट भी नहीं रखना है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ, इसको अच्छे से आप मिक्स करेंगे, देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे एकदम अच्छे से। देखिए ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पकोड़े के बैटर से थोड़ी गाढ़ी, पकोड़े के बैटर से थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। ये देखिए ऐसे बहना चाहिए। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा वनीला एसेंस, जो भी डालना चाहे, नहीं है तो आप मत डालिए, इलायची डाल दीजिए जिसका मन हो, बट मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ। अगर आप अच्छे से बना ही रहे हैं तो फ्रेंड्स ये ला सकते हो बेकरी शॉप में, कहीं पे भी आपको 30-40 रुपए में मिल जाता है, ये अलग अलग ब्रांड का अवेलेबल है। देखिए फ्रेंड कुछ बूंदे आपको डालनी है, ये देखिए ये अलग अलग ब्रांड का सब जगह अवेलेबल है फ्रेंड, आप घर में लाके रख सकती हो, इससे आपके बहुत सारे केक आइसक्रीम्स बन जाती हैं। ये देखिए कंसिस्टेंसी, देखिए फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए अब इसको जो जो हमने ग्रीस पैन किया था हम उसमें देखिए इसको पोर करेंगे। सबसे पहले देखिए ये स्पैचुला ले लिया है मैंने, आपके घर में चम्मच है आप चम्मच भी ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये कैसे पोर हो रहा है, देखिए ज्यादा झंझट भी नहीं है, 10-15 मिनट में। बाहर से आप लेके आते हैं बहुत महंगा पड़ता है, बच्चे मांगते ही रहते हैं, जब भी मन करे आप घर में बना सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं और बड़े भी चाय के साथ खुश होके इसको खाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स पूरा सफाई से मैंने इसको खाली कर दिया है, देख सकते हैं आप, और ऐसे टैप कर लेना है क्योंकि इसमें एयर घुस जाती है जिससे कि आपका केक खराब होने का डर रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स इसको टैप करिए अच्छे से, ये टैप हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बैटर मैंने डाल दिया है और अच्छे से हवा का निकाल दिया है, टैप कर दिया है, अब इसको हम लेके चलते हैं। और तो देखिए ये 10 मिनट हो चुके हैं, मेरा होममेड ओवन रेडी हो चुका है प्रीहीट होके, देख रहे हैं आप। अभी मैं क्या करूंगी इसमें, इसको इसमें बहुत सावधानी से रख दूंगी, ये देखिए, और हम इसको ढक देंगे और 20 से 25 मिनट फ्रेंड्स 20 से 25 मिनट तक आप इसको सिम से मीडियम आंच पर ऐसे ही ढक के पकाएंगे, ठीक है। 20-25 मिनट इसको पकने में लगेंगे, तो चलिए जब तक वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि क्या पोजीशन है केक की, लगभग 25 मिनट हो चुके हैं, ठीक है तो देखते हैं। मैं इसको हटाती हूँ जब तक मैंने अपने काम भी निपटा लिए, जो निपटाने वाले, तो मेरे हिसाब से लग रहा है फ्रेंड्स ये रेडी है। देखिए मैं इसमें एक टूथपिक लेके आप डाल के देखिए, देखिए फ्रेंड्स टूथपिक एकदम साफ है, तो इसका मतलब केक मेरा रेडी है। और अगर आपके पास टूथपिक नहीं है ना तो आप नाइफ से भी चेक कर सकते हैं, ये देखिए देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स कहीं से भी आपको लग रहा है कि ये नहीं बना है ओवन में, बिना ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए निकालने के लिए विदिन टू। तो देखिए फ्रेंड्स ये ना अपना जगह छोड़ चुका है साइड से ना, आप देख सकते हैं वो कितना सुंदर ये बना है, कितना अच्छे से पका है और कितने कम बजट में ये रेडी हो गया है। बाजार से आप लेने जाते हो तो 100-200 कोई नहीं है, और हाइजीनिक का भी पता नहीं है। घर में देखिए आप कैसे एकदम साफ सुथरे तरीके से बना सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। जी मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स
अभी इसको थोड़ा गर्म है ये, तो मैं इसको निकालना चाह रही हूँ जल्दी के चक्कर में, तो अभी रुकना पड़ेगा 2 मिनट और। तो फ्रेंड्स देखिए, ये देखिए मेरा केक दिख रहे हैं, बिना ओवन, बिना ताम झाम, बिना प्री मिक्स के कितना सुंदर ये रेडी हुआ है, देखिए फ्रेंड्स। और अभी मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरे बच्चे ना बड़े बेचैन हैं, एक्साइटमेंट है उन लोगों को ना। ये फ्रेंड्स ये एक सिंपल सा फ्लेवर है वनीला। मैं इसमें आगे अगर आप बोलोगे ना, कमेंट्स करके बताओगे, तो मैं और भी आपको फ्लेवर्स बना के दिखाऊंगी। और अलग तरह के केक आप बनवाना चाहेंगे, आप सीखना चाहते हैं, तो प्लीज जो भी रेसिपी कुकिंग से रिलेटेड आप सीखना चाहते हैं प्लीज बताइएगा। और आज की रेसिपी कैसी लगी, और प्लीज सपोर्ट करिए भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक लाइक करिए अच्छी लग रही है तो, अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो। और सीखना चाहते हैं तो आप, मैं बेकिंग क्लास भी घर पे भी शुरू करने वाली हूँ, मैं एड्रेस दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कॉन्टेक्ट नंबर भी है। और आप अगर ऑनलाइन मेरे से सीखना चाह रहे हैं तो मेरी रेसिपीज बताइए कैसी लगी, डेली एक रेसिपी अब मैं शेयर किया करूंगी। एक दिन स्टिचिंग का होगा और एक दिन कुकिंग का। देखिए फ्रेंड्स गर्म है, लेकिन फिर भी कितने अच्छे से मेरा केक। और अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स पीस, तो अभी मेरे बच्चे टेस्ट करेंगे। मेरी बेटी से वेट नहीं हो रहा है, कब से वो बन गया। तो चलिए ठीक है, मैं बच्चों से पूछती हूँ। उठाओ बेटा जल्द। और फ्रेंड्स देखो यहाँ बच्चे आ गए, और देखो जीविका से वेट नहीं हो रहा है, वो फटाक से खा रही हैं। बहुत टेस्टी है। सच्ची सच्ची बताना बेटा, पब्लिक को सच्ची पता होना चाहिए। बहुत टेस्टी है, बहुत सॉफ्ट है, मार्केट से अच्छा है, बहुत हमेशा पसंद आता है। ये थी आज की रेसिपी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट्स करके बताना, और आगे भी जो रेसिपी आप पूछना चाह रहे हो मेरे से वो भी बताना। प्लीज प्लीज कीप सपोर्टिंग, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज वीडियो जाके देखिए, वीडियो भी आने वाला है।